क्वेश्चन है कि व्हाट वाज योर सीजीपीए इन आईआईटी दिल्ली एंड प्लेसमेंट क्यों नहीं लगी? अपने बॉस से कभी कोई सीजीपीए नहीं पूछता। लाइक आपने कैसे 4 महीने में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया और इतनी अच्छी लाइक 247 रैंक इन जेईई एडवांस कैसे आ गई आपकी? तो नोट्स फाड़ देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? पूरे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं सिस्टम फाड़ देंगे। फिजिक्स वाले से आखिर आपको क्या दिक्कत है? क्या टेस्ट सीरीज बेच के अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं? योर एंटायर करियर रिवॉल्व्स अराउंड आईआईटी जेईई एग्जाम। आईआईटी का टैग नहीं मिलता तो क्या उम्मीद करते हैं? हेड के साथ पूछे गए क्वेश्चन है। आपके पास कोई रियल वर्ल्ड स्किल नहीं है, सिर्फ आईआईटी का टैग है आपके पास। स्किल्ड हाई स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उनको मैनेज करता है, आप कह रहे हो उस पर स्किल नहीं है। टॉकिंग अबाउट आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, तो मेरे को इतना आईआईटी बॉम्बे का कभी क्रेज नहीं था। आईआईटी दिल्ली इज द नंबर 1 कॉलेज ऑफ दिस कंट्री। मैं जब 17 साल का था, मैं एक रिलेशनशिप में था। मैं एक बैक बेंचर हूँ शुरू से, मैं कोई पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ नहीं। सेकेंडली, मैं एक दुकानदार का बेटा हूँ कि देश के अंदर जितनी भी यूनिकॉर्न्स बनी है, अशनीर भी यार वही बंदा है, बल्कि मैं कहूँगा आप देखोगे ना अगर। वेलकम यू ऑल इन माई पॉडकास्ट सीरीज अनफिल्टर्ड रियलिटीज़। अब यार इसमें क्या होगा कि इसमें हम गेस्ट को बुलाएंगे एंड उनसे हर वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हो। एंड यस, इस पॉडकास्ट सीरीज़ में यार काफ़ी ज़्यादा आपको आंसर्स मिलने वाले हैं हर उस क्वेश्चन के जो आप पूछना चाहते हो। एंड यार इस पॉडकास्ट सीरीज़ के सबसे पहले जो गेस्ट रहने वाले हैं वो है हमारे निशांत जिंदल, ठीक है। तो आज हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। जो क्वेश्चंस आपके साइड से आए, हर वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड था, वो सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड यस, अगला गेस्ट किसको बुलाना है वो भी बता के जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉडकास्ट सीरीज़ के हमारे पहले गेस्ट हैं निशांत जिंदल भैया, एंड उनके बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप कैसे हैं? अच्छा होगा। हाय अर्शिता, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आज हम बहुत सारी रियलिटीज़ अनफिल्टर करने वाले हैं, तो क्या आप रेडी हैं सारे क्वेश्चंस को ऑनेस्टली आंसर करने के लिए? ऑनेस्टली तो करेंगे ही, तो आई एम रेडी। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि फिजिक्स वाला से आखिर आपको क्या दिक्कत है? क्या मॉड्यूल्स का रिव्यू सही था? जो आपने फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स का रिव्यू किया था, क्या वो ऑनेस्ट रिव्यू था? मतलब अगर वो मॉड्यूल्स अच्छे होते ना, मैंने जब मॉड्यूल खोले थे तो मैं सच में बिना बायस के गया था। और मुझे लगता था कि ये इतनी बड़ी कंपनी है तो इनके मॉड्यूल अच्छे ही होंगे, और बहुत लोग मांग रहे थे रिव्यू। तो मैंने मॉड्यूल्स खोले, अब वो मुझे मॉड्यूल जैसे लगे, मैंने कहा यार जैसे हैं वैसा रिव्यू करेंगे, तो मैंने एज इट इज़ वैसा कर दिया। मैंने उसमें क्या बोला कि भाई ये क्वेश्चन 10वीं के हैं या कुछ है, तो जो क्वेश्चन 10वीं के थे 10वीं के बोले। मैंने कहा भाई इसके अंदर क्वेश्चन की क्वान्टिटी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, सब कुछ फैक्ट्स थे। अब कुछ लोगों को यार ये बात पसंद नहीं आई, स्टूडेंट्स को ही, और लोगों को छोड़ो, स्टूडेंट्स को ही समझ में नहीं आई। तो इसलिए उन्होंने भी मेरे को, कई लोगों ने बोला कि वो रिव्यू जो है पेड था या गलत रिव्यू था, या मैं पीडब्ल्यू से हेट करता हूँ। पर मतलब मैं किसी से हेट नहीं करता, मैं बस ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरी एक ना मोटिवेशन है। जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो मैं भी यार एक 16 साल का बच्चा था, और मैं गाइडेंस के लिए भटकता रहता था। तो मुझे लोग गलत गाइडेंस जब देते रहे तो मेरे को ना उससे बहुत नुकसान होता रहा। और मुझे आज जब मैं बड़ा हूँ तो मेरे को, जब मैं मतलब आगे जाके एग्ज़ाम में जब आगे जाके देखा मैंने, मुझे बहुत नुकसान हुए लोगों की गलत गाइडेंस की वजह से। तो मुझे ये रहता है कि यार अगर तुम सच में एस्पिरेंट की केयर करते हो तो उसको बिल्कुल कोरा सच बताओ, ठीक है। और ताकि भाई वो अपना 2 साल 1 साल किसी चीज़ को करने वाला है तो उसको पता होना चाहिए ना कोई चीज़ सफिशेंट है या नहीं है। तो मैंने उस हिसाब से मॉड्यूल का रिव्यू किया था, और इनफैक्ट मैंने ऐसा भी सुना है कि मॉड्यूल्स चेंज हो गए हैं, और बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे रिव्यू की वजह से चेंज हुआ है। तो आप ये देखो कि कोई चीज़ चेंज हुई तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट थी ना वो। और आई डोंट नो नए मॉड्यूल्स कैसे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता अनलेस आई सी देम। बट अगर नए मॉड्यूल मैंने खोले और वो अच्छे हुए तो मैं अच्छा बोलूँगा, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मतलब वो होता ना कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वो वही फिलोसफी है। नाइस आंसर. एंड ऐसा ही होना भी चाहिए. लाइक कोई भी क्रिएटर हो, लाइक वो बच्चों के लिए उस तरीके का ही कंटेंट बना रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो ऑनेस्ट चीज़ें रखते हैं तो बहुत सारे लोग वो चीज़ें गलत लग जाती हैं. सो काफ़ी अच्छा आंसर था आपका. अभी दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि आपने कुछ नोट्स फाड़ने की वीडियो बनाई थी. नोट्स फाड़ने को क्यों बोला था? लाइक नोट्स फाड़ देंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ये क्वेश्चन है. पूरे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं सिस्टम फाड़ देंगे, उनको कोई कुछ कह नहीं रहा. मैंने कहा नोट्स फाड़ दो, मेरे पीछे पड़ गए. तो मेरा आइडिया यार देखो, बात को पत्थर की लकीर नहीं बनाते. मेरा आइडिया ये था कि अपनी डिपेंडेंस जो है ना वो नोट्स पर से ख़त्म करो. कहने का मतलब मैं इस प्रवृत्ति के 2-3 प्रवृत्ति हैं इनके खिलाफ कि एक तो ये कि बंदा ना सब कुछ लिखता ही चलता है और वो सोचता है कि मैंने क्लास में सुन लिया वो लिख लिया, पर एक्चुअल में क्लास में कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देता नहीं है वो. तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं इसके खिलाफ हूँ. सेकेंडली बंदे को कुछ भी याद करना होता है तो वो उसको याद करने की जगह नोट्स में लिख लेता है और कहता है इसको अच्छे से बाद में याद करूँगा, उस वक्त याद नहीं करता हो. तो मैं इसके भी खिलाफ हूँ. तो मैं ना इसलिए कहता हूँ कि यार भाई नोट्स फाड़ दो ताकि तुम्हारे को कोई लगे ना कि मेरे पे बैकअप है. तो तुम्हारे को अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, अपने आप मेमोरी खुल जाएगी कि यार ऐसे याद कर, ऐसे तरीके ढूँढ याद करने के कि अभी याद करे तो सदा याद रहे. और मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि नोट्स मत बनाओ. पॉइंट ये है कि 200-200 पेज के नोट्स बनाए और वो धूल खा रहे हैं और कभी नहीं देखोगे. उससे अच्छा है नोट्स फाड़ दो. ऐसा वैसे मेरे साथ एक हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे एंड मुझे यूज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे शॉर्ट नोट्स आए थे एंड में, क्योंकि वो टाइम ही नहीं होता है कि हम उतना ज़्यादा कुछ रिवाइज कर पाएँ. तो ये प्रॉब्लम तो आती है, इससे तो मैं भी एग्री करूँगी. राइट. तो मैंने यार मैं यही बात, अब देखो किसी को बाद में एहसास हो जब 2 साल हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा, उसको पहले एहसास होना चाहिए ना. बट मैं पहले ये बात बताता हूँ तो उसको अटपटी लगती है. बाद में जब वो जेई दे रहता है उसको लगता है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यार मैं आज ड्रॉप ले रहा हूँ, अगर आपकी बात पहले मान ली होती तो मैं कहाँ होता आज, अब से आपको फॉलो करूँगा. तो ऐसे ड्रॉपर्स बड़े आते हैं मेरे पास. ओके चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हाउ डिड यू मैनेज टू कवर दैट मच सिलेबस इन जस्ट 4 months. लाइक आपने कैसे 4 महीने में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया और इतनी अच्छी लाइक 247 रैंक इन जेई एडवांस कैसे आ गई आपकी? तो यार थोड़ी सी ना गलत धारणा है कि जेई का सिलेबस ना पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती, और ख़ासकर एडवांस का. मेरा था, मैं कट्टर एडवांसवादी था भाई. जेई में एडवांस मेरे को इनफैक्ट किसी बंदे ने मुझे बाद में बोला दिसंबर में, मेरे दोस्त ने, कि जिंदल मेंस नाम का भी एक एग्ज़ाम होता है उसकी कब तैयारी करेगा. तो मैंने उसको भी ये बोल दिया कि भाई मेंस से कौन से आईआईटी में एडमिशन मिलता है, कौन कौन से में. तो उसका मुँह बंद करने के लिए, तो एज इन मैं इतना कट्टरवादी था मेंस के प्रति और तो एडवांस के प्रति. तो अब तो मेरे को था कि ज़्यादा पूरा सिलेबस करना नहीं है. तो अगर यार आप ना सिलेबस का कुछ पोर्शन लाइक 80-90% पोर्शन, और उसमें भी मतलब 60-70 पोर्शन बहुत तगड़ा कर लो, बाकी जो जितना हो रहा है जिस लेवल पे होता रहे, अपनी कोशिश अच्छी रखो. तो मैं ना क्या करता था, स्टूडेंट टाइम वेस्ट करता है अटक कर, और वो क्या करता है स्ट्रेस में टाइम वेस्ट करता है. मैंने क्या किया यार, जो जो हो रहा है निपटाते चलो. कई सारी चीज़ें ढंग से नहीं हो रही थी, मैंने कहा इसको जैसे मर्जी निपटाओ, ख़त्म करो. पर कई जगह पे मैंने देखा कि यार क्वेश्चन होने चाहिए, उस हिसाब से लेवल बना लो. तो शुरुआत में थोड़ा स्लो भी चला मैं, पर एंड के अंदर तो मैंने सिलेबस ऐसे भगाया कि भाई क्या बात है. तो और सिलेबस भगाया कैसे कि मतलब चैप्टर को ऊपर से ही पढ़ गया. मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई थी तो मेरे को पता था क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कहाँ घूमेगा, तो मैं कॉन्सेप्ट ही प्रिडिक्ट कर लेता था. और इलस्ट्रेशन वगैरह कर देखता था, वो भी एकदम मन में आ जाती थी क्योंकि लेवल अपना दिमाग खोल लिया है. और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी ना फिर क्या किया, कम करना शुरू कर दिया. लाइक आप मानो कि फिज़िक्स में मैं एक चैप्टर में 20 अनसॉल्व क्वेश्चंस करता रहा, बस सिर्फ 20 अनसॉल्व क्वेश्चंस. और 2016 के पेपर में मेरे फिज़िक्स में आए थे 78 मार्क्स आए थे 124 में से. मैंने क्या किया, क्वेश्चन चेक कम करो, 10 मटीरियल मत करो, 1 मटीरियल करो. और उसमें भी यार कम ही क्वेश्चन कर लो, पर ऐसे करो कि उनसे बेस्ट सीखा हो. ऐसे करके यार मैंने बस 4 महीने में बहुत तगड़े वाला खींच दिया सिलेबस। और पहले मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी 247 आएगी, पर सिलेबस जैसे जैसे कवर हुआ उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था आ जाएगी। आगे बढ़ने के पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ बुक। ये बुक इसमें यार ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये टॉपर्स के स्टडी हैक्स दिए हुए हैं इसमें। ये आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तुम देख सकते हो। इसमें इसकी जो राइटर हैं वो हैं अविनाश अग्रवाल, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। ये आपकी यार 100 से भी ज़्यादा टॉपर्स के सक्सेस स्टोरीज पे ये बेस्ड है ये बुक। देखो ऐसी बहुत सारी बुक्स होती है जो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सारी चीज़ें पढ़ा देंगी, पर आज के टाइम में ऐसा देखा गया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो सक्सीड नहीं होते एग्ज़ाम्स में, उनकी प्रॉब्लम पता है उनके मोटिवेशन से रिलेटेड होती है, उनके डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड होती है, या तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती है। तो आज मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगी ये एक बुक जो तुम्हारे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। ये बुक है यार, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 11th-12th में हैं, जेईई या फिर मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड यार ये बुक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जैसे कि आपको टॉपर्स की स्टडी टेक्निक्स पता लगेंगी, आपको पता लगेगा कि कैसे वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते थे, वो कैसे मोटिवेटेड फील करते थे। एंड ये बुक अगर आप पढ़ते हो, अच्छे से रीड करते हो, तो इट कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर बाई 10 to 15%। तो ये बहुत सारे जेईई और नीट के जो टॉपर्स रहे हैं आज तक के, उनके इंटरव्यूज़ हैं लास्ट 15 ईयर्स के। तो यार अगर तुमको ये बुक लेनी है तो लिंक्स चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये तो है लाइक वो से 10 मटेरियल पे भाग रहे होते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, एंड उन्हें ये समझ में नहीं आता कि 10 चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक चीज़ को भी अगर अच्छे से करते हो तो आप बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, राइट। तो ओके, सो 4th क्वेश्चन है हमारा। किसी ने पूछा है कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड स्टिल योर एंटायर करियर रिवॉल्व्स अराउंड IIT JEE एग्ज़ाम, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? JEE में 247 रैंक नहीं आती और IIT का टैग नहीं मिलता तो क्या मिल करते हैं? ये अजीब सा क्वेश्चन है थोड़ा, बट किसी ने पूछा है तो आपका क्या आंसर होगा इसके लिए? यार लोग ना मुझे गलत समझ रहे हैं, मतलब मुझे जानते नहीं हैं। आप सोचो कोई अगर पब्लिक में ऐसे कमेंट कर रहा है मुझे, तो उसने वही देखा है ना जब मैंने पब्लिकली किया। तो पब्लिकली मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पर मेरी ऑडियंस जेईई की है, मैं उनसे जेईई की बात करता हूँ, ठीक है। तो फिर ये थोड़ी इसका मतलब है कि मेरी लाइफ जेईई के अराउंड रिवॉल्व करती है। मतलब जो यूट्यूब पे है वो वाला पार्ट जेईई वाला है, ठीक है। पर मैंने पिछले 5 साल में मैं IIT दिल्ली का स्टार्टअप इकोसिस्टम में रहा, मैंने F&B इंडस्ट्री में काम किया, फिनटेक स्टार्टअप किया, मैंने एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप किया, और इतने सारे मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया मैंने। तो दैट्स माय लाइक आई कंसिडर दैट जो मेरा करियर अब तक रहा है। इनफैक्ट जेईई में अब आया हूँ मैं, नाउ आई हैव कम टू जेईई। तो मतलब मैं पहले 5 साल पहले भी था जेईई में, पर फिर बीच में कुछ कारणों की वजह से मैंने नहीं कंटिन्यू किया। पर अब मैं लौट कर आया हूँ, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेंटरशिप करने की, स्टूडेंट्स को गाइड करने की मेरे अंदर एक अलग ही डिज़ायर है। और वो देखते हुए अगर मैं कभी यही करो, ये करते हुए मैं कभी थकता नहीं। मैं कहा यही करो, मेरे को अपनी कॉलिंग मिल गई है। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मेंटर भी हूँ, तो मैंने कहा यार लेट्स कंबाइन दीज टू एंड लेट्स डू एन एडटेक स्टार्टअप। अब मैं आई एम बैक टू एडटेक। और रही बात कॉलेज को मिल्क करने की या रैंक को मिल्क करने की, तो भाई मैंने किसी को उनकी रैंक, जिन्होंने कमेंट किया वो अपनी रैंक देखें और कॉलेज देखें, मैं उनको नहीं रोकता, वो भी अपनी रैंक और कॉलेज मिल्क करें। अब आप हर जगह IIT दिल्ली का टैग यूज़ करते रहते हैं, जैसे अभी हम देख सकते हैं आप अभी भी IIT दिल्ली की टी-शर्ट पहन के आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब एक BMW का ओनर है, मैं उसको कह रहा हूँ आपकी गाड़ी पे लोगो क्यों लगा हुआ है, ये तो फ्लैक्स भाई। मतलब आप समझो ना क्यों 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 लगा हुआ है लोगो, ब्रांड वैल्यू है। मतलब लाइक BMW कार, मर्सिडीज कार इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट विद अ ग्रेट ब्रांड, अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड अ ग्रेट ब्रांड। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले बोथ ऑफ देम। और भाई कमा के लगाइए। आई गॉट दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठ के भाई मतलब ये जो भी मैंने मतलब ये टैग है IIT टैग हो गया या IIT से मिलने वाले जितने भी एडवांटेजेस हैं वो सब मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो हक से यूज़ करूँगा मैं। मुझे कोई कितना बोलता रहे, आई विल यूज़ देम। ये दिवाली के लिए थोड़ी रखा है यार, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ये बम दिवाली के लिए थोड़ी रखा है हमने, न्यूक्लियर बम, तो हमने भी दिवाली के लिए नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जेईई मेंस में मार्क्स कितने थे एंड आपकी कोचिंग ऑनलाइन थी या ऑफलाइन थी? जेईई मेंस में मेरे थे 254 मार्क्स, और बात करें रैंक की तो मेरे टाइम तक 2016 तक रैंक डिसाइड होती थी बोर्ड के मार्क्स से भी, तो बोर्ड में मेरे 94.8 थे जो कि थोड़े लोअर एंड पे आते हैं, तो उस वजह से मेरी रैंक जो है 1514 आई। पर अगर बोर्ड्स के मार्क्स कंसिडर ना करते तो मेरी रैंक हो जाती 500-600 के आसपास, तो ये रैंक थी, 254 मार्क्स थे। और कोचिंग मेरे टाइम पर ऑनलाइन इकोसिस्टम इतना था नहीं और ना ही इंटरनेट इतना अवेलेबल था। 2016 में जियो आया, तब तक मैं जेईई क्रैक कर चुका था, तो उससे मतलब मेरे यहाँ पे इंटरनेट भी जो था ना बड़ा स्कैर्स था कि 256 kbps आती रही स्पीड, तो उसको भी फ्लैक्स करते रहे कि भाई मेरी 256 kbps स्पीड है। तो वो दिन थे, तो तब और इतने चैनल वगैरह यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, तो सारी पढ़ाई जो है मैंने बुक से करी। और बात रही, मैं कोचिंग गया था ऑफलाइन कोचिंग पर, बड़े सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोचिंग थी, उसके एक लो बैच में था मैं, तो लो बैच में वो अटेंशन नहीं देते, टीचर्स भी ख़राब भेज देते, टीचर्स भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, और फिर स्कूल भी जाता रहा मैं रेगुलर, तो पढ़ाई कभी कर नहीं पाया। फिर बाद में मैंने देखा यार इन सब को करके होगा नहीं, ये कोचिंग के भरोसे या स्कूल के भरोसे, तो खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने भाई इंटरनेट से किताबें मंगाई, वो किताबों को ही पढ़ा रिलीजियसली, और उन्हीं से स्कोर अच्छा हो गया टेस्ट्स में, और मेरे को भरोसा हो गया कि IIT हो जाएगा। और फिर जब गया सेंटर पे तो हो गया, मतलब मेरे को भरोसा था कि मैं सेंटर के अंदर जब जा रहा था मुझे पूरा यकीन था कि कितना भी बुरा पेपर जाए, क्योंकि IIT दिल्ली पहुंचने के लिए आपको 4-5 हज़ार रैंक पे भी पहुंच जाओगे आप। मेरे को IIT दिल्ली जाना था बस, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे, तो वो 4-5 हज़ार रैंक पे भी मैं पहुँच जाता। और फिर भाई IIT दिल्ली क्यों, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ये क्यों नहीं? देखो मैं तो एक बात बोलूँगा, जो बंदा दिल्ली में बड़ा हुआ है ना, काइंड ऑफ उसमें एक ईगो होती है ये कि यार दिल्ली में, दिल्ली पता तुम्हें देश का एजुकेशन हब है, दिल्ली में सारी एजुकेशन से लेके हर चीज़ दिल्ली वाला बंदा, अब देखोगे कोई भोपाल में रहता है, कोई चलो इंदौर में रहता है, कोई और छोटे शहरों में रहता है, मध्य प्रदेश की बात करें जैसे, तो वो लोग ना माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। जो थोड़े छोटे शहर वाला होता है उसको कभी ना कभी बड़े शहर जाना पड़ता है किसी काम से, पर दिल्ली वाला बंदा कभी किसी काम से बाहर नहीं जाता यूजुअली, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ होता है, दुनिया दिल्ली आती है, तो और दिल्ली वाला बंदे को बाहर जाने का कहीं पॉइंट नहीं होता, तो उसको दिखता है भाई मेरे पास IIT दिल्ली है, एंड वो सिर्फ IIT दिल्ली सोचता है। एक यूजुअल दिल्ली वाले का मैं माइंडसेट बता रहा हूँ, तो मेरे को IIT दिल्ली के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। एंड टॉकिंग अबाउट मतलब IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, मेरे को पर्सनली इफ यू आस्क मी, तो मेरे को इतना IIT बॉम्बे का कभी क्रेज़ नहीं था। और अगर आप मैट्रिक्स वाइज देख लो, ठीक है, मैट्रिक्स ना नंबर्स से कि भाई पैकेजेस कह लो, स्टार्टअप्स कह लो, या किसी भी नंबर्स में, तो सारे नंबर्स में IIT दिल्ली लीड करता है। ये जो बच्चों की प्रेफरेंस है ये तो ट्रेंड्स के बेसिस पर है कि भाई पिछले साल इतनी कट ऑफ हाई गई थी इसकी, तो हमको भी यही लेना चाहिए। जब सब लोग एक ही चीज़ लेने जाएंगे तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, और वो हाई कट ऑफ देख के अगला बैच कहेगा हमको भी यही लेना चाहिए, तो वो एक ट्रेंड बन गया। और मेरे हिसाब में IIT दिल्ली इज़ द नंबर 1 कॉलेज ऑफ दिस कंट्री। ओके, एंड वाई मैकेनिकल? आपने मैकेनिकल ही क्यों चूज़ की? तो यार इसके पीछे एक स्टोरी है। मतलब मैं ऐसी मतलब मैं अपने घर का फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोवर हूँ, कहने का मतलब मेरे माता पिता ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, तो मेरे को कभी कोई गाइडेंस थी ही नहीं। तो जेईई के अंदर तो मैंने किताबें ली, उनसे पढ़ के बहुत मेहनत करके मैंने जेईई क्रैक कर लिया, अब उसके बाद फिर गाइडेंस नहीं है। तो मेरे को कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया। एक टीचर थे जो कोचिंग के थे, तो मैं उन पर चला गया। उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा जो है माइंड मैकेनिकल वाला है, तो तुम फिज़िक्स में अच्छे हो, मैं तुम्हें 2 साल से देख रहा हूँ, तो तुम्हारे को जो है ना मैकेनिकल लेनी चाहिए और आगे जाके तुम जो है इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी तुम्हारे लिए। तो मेरा उस टाइम पर आई वॉज ऑफ टू माइंड्स कि मतलब मुझे आइडियली चाहिए था, पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला गो टू खड़गपुर CSE, और तो इतने लोग कह रहे थे और मेरे को भी समझ में आ रही थी, तो मैं वो भी सोच रहा था। बट फिर दिल्ली में था मेरे को कि यार आई कैन गेट इलेक्ट्रिकल MNC। इनफैक्ट अगर मैं उस साल MNC लेता तो आई वुड बी दी ओपनिंग रैंकर ऑफ MNC। पर फिर मैंने वही मैकेनिकल ले ली। पहली काउंसलिंग में पहला जो चॉइस थी सब कुछ मैंने पहला IIT दिल्ली मैकेनिकल भरा, उसी वक्त मिल गया, मैं ओपनिंग रैंकर बन गया। तो पर वो डिसीजन मुझे बाद में रिग्रेट हुआ उसका, पर आज रिग्रेट नहीं है उसका। मुझे 1 साल 2 साल तक रिग्रेट रहा। If you'd ask me today, I have no regrets. Okay, that's great. चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है कि what was your CGPA in IIT Delhi and placement क्यों नहीं लगी? अच्छा लगी नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं यार अभी ये बड़े ना बड़े हेट के साथ पूछे गए क्वेश्चन हैं। मतलब तुम हेट से नहीं पूछ रही, पर जो पूछ रहा है वो बहुत हेट से। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को कई बार होता है कि इसको ना मैं ऐसे बोलूँगा, बहुत ही अंदर से उसके अंदर गुस्सा और ईर्ष्या होती है। बोलता आज इसको मैं गाली दूंगा, ऐसे बोलूँगा देख तू बेरोज़गार है, तेरी जॉब नहीं लगी, प्लेसमेंट नहीं लगी, और तू टैग को मिल्क कर रहा। तो बहुत नफ़रत से भरा हुआ क्वेश्चन है। पर स्टिल मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ इस पर, इस ये क्वेश्चन गलत क्यों है इस पर एनलाइटन कर देता हूँ। तो यार क्या होता है, जो छोटे टीयर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्लेसमेंट के सिवा कुछ पता नहीं होता। एग्जैक्टली। कॉलेज का मतलब है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब है कॉलेज। कॉलेज में प्लेसमेंट के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, छोटे कॉलेजेस में प्लेसमेंट के सिवा कुछ नहीं होता, बट वो छोटे कॉलेजेस में होता है। आप उस माइंडसेट को IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे ऐसे कॉलेज पर लगाओगे तो आप अपने माइंडसेट का प्रूफ दे रहे हो। मैं जब IIT गया, मैं एक बात बताता हूँ, मैं कोई पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ नहीं, मैं एक बैक बेंचर हूँ शुरू से। मेरी 9th में 7.8 CGPA आई थी। वो CGPA का ज़माना था, मतलब बुरे से बुरे बच्चे को 7-8 CGPA मिलती थी। तो ऐसे ही 60-70% वाला ही बनता रहा हूँ मैं शुरू से। अभी कॉपी वॉपी बनाना, डिसिप्लिन से काम करना कभी नहीं किया। और फिर IIT JEE के अंदर मैंने भाई ज़ोर लगा दिया, क्योंकि मैं यार उस टाइम पर हालात ऐसे थे तो मैं मजबूर हो गया, और मैंने भी अपनी मैच्योरिटी दिखा के मैंने कहा अपना एफर्ट डालूंगा। और फिर IIT पहुंच गया, तो मेरा स्वभाव नहीं था ऐसे वही रेगुलर पढ़ना एकेडमिक क्लास जाके वो सब करना, मेरा स्वभाव नहीं था वो। तो मेरे को वो नहीं करना था, ना मुझे वो जमा। मुझे वहाँ पर सब लोग ये करते हुए दिखते थे कि वो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पर एकेडमिक्स अच्छे कर रहे हैं, CV तैयार कर रहे हैं, अमेरिका में रिसर्च इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे 50 करियर्स की वो तैयारी करते हुए लोगों को देखता था मैं। और मेरे को था कि मैं ये नहीं कर सकता कि क्लास जाके रोज़ रेगुलर पढ़ना। तो मैंने ये देख लिया। सेकेंडली, मैं एक दुकानदार का बेटा हूँ, मैं गन्ने पे बड़ा हुआ हूँ। तो मैं यार बचपन से ही मेरा काम ही यही था, साइकिल पे जाके कोई अगर जैसे च्यवनप्राश ख़त्म हो गया तो जैसे कस्टमर आता था पर्ची लेके, उस पर सारी चीज़ें लिखी होती थी, और कई बार होता ना एक आध आइटम हमारी दुकान पर नहीं होता, छोटी दुकान थी हमारी, और कस्टमर को पूरी ऑफरिंग चाहिए। तो मेरे पापा मुझे कहते रहे साइकिल पे जाओ फटाफट और जाके च्यवनप्राश लेके आ, बोलता हूँ मैं। तो जब मैं छोटा था ना तो साइकिल में सामान ले आया, या मेरे पापा ने एक बार कोल्ड ड्रिंक्स का काम किया था तो मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करता था, एंड तो पढ़ाई लिखाई का माहौल सा नहीं था। एंड मतलब मैं देखता हूँ IIT में जब लोग जाते हैं उनके पेरेंट्स या तो वर्कर्स होते थे, टीचर्स होते थे, तो वो लोगों को वो चीज़ जो थी कि पे चेक्स और वो सब समझ में आता रहा। मेरे को समझ में आता रहा भाई सेल क्या हुई, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या ब्रेक इवन हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज़ें समझ में आती थी देसी शब्दों में। तो मेरे को वो स्वभाव में था ही नहीं, तो मेरे को समझ में। और मैं बचपन से ही इनफैक्ट मेरा नेचर था बिजनेसमैन बनना है मुझे। मेरे को था बचपन से एंटरप्रेन्योर बनना था, पर बड़ा हुआ तो मेरे को था कि 9वीं 10वीं में कि शायद जो बिज़नेस करते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, तो मैं ऐसे करना चाहता था। पर फिर जो समझ में उस टाइम आया, मैंने कहा भाई ठीक है हम IIT चले जाते हैं, IIT की तैयारी करते हैं। अब जब IIT में एडमिशन हो गया तो फिर वहाँ पर वो जो डिफ़ॉल्ट करियर होता है अपनी CV वगैरह बनाना, वो समझ में नहीं आया। पर मेरे को 1-1.5 साल और, मेरे को ये भी रिग्रेट था मैकेनिकल लेने का, पर 1-1.5 साल बाद मेरे को पता चला कि देश के अंदर जितनी भी यूनिकॉर्न्स बनी हैं, बड़े बड़े कंपनियाँ जो बनी हैं, वो भाई कॉमर्स वालों ने नहीं बनाई, वो इंजीनियर्स ने बनाई है। और मेरा कॉलेज उसमें बेहतरीन है, नंबर 1 मैचलेसली। तो मैंने फिर यार ये चीज़ देखी, मैंने कहा गलती से पता नहीं कैसे घूम फिर के मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। और फिर मेरे को समझ में आया ये शायद मे भी सब कुछ प्लान था। और मैं उसके बाद से फिर IIT दिल्ली के सीनियर्स से मिलने लग गया, उनके साथ काम करने लग गया और स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं चला गया और मैंने अपने स्टार्टअप्स किए। तो कई बार मैंने एज अ फाउंडर काम किया। तो जब ऐसा था तो मेरी CGPA तो बन ही नहीं सकती थी क्योंकि स्टार्टअप्स आर वेरी कंज्यूमिंग। सेकेंडली आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट सो और कई बार क्योंकि स्टार्टअप्स आर रिस्की एज वेल, सो मेरे साथ कई बार ट्रेजेडी बहुत गंदी हो गई थी और मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो तब मैं उस सेमेस्टर में 6 कोर्सेज़ में फ़ेल हुआ, एक सेमेस्टर में 6 कोर्सेज़ में फ़ेल। एंड इनफैक्ट देखोगे पूरी डिग्री के अंदर मेरे पास 20 F ग्रेड है, 20 F ग्रेड्स, ठीक है। तो ऐसा रहा और मुझे बड़ा मैं टूट गया उसके बाद। पर फिर मैं कहा नहीं यार डिग्री तो किसी तरह करनी है, तो फिर से फोकस बना के पढ़ाई करके किसी तरह डिग्री कंप्लीट करी। तो मेरी फ़ाइनल जो CGPA बनी वो थी 6.29 थी, पता नहीं 6.34 थी, मुझे याद नहीं, पर ऐसी कुछ CGPA बनी। पर मेरे से CGPA कोई नहीं पूछता, ना कोई पूछ सकता, क्योंकि अपने बॉस से कभी कोई CGPA नहीं पूछता। मेरा नेचर ही है बॉस वाला, सो आई लीड टीम्स। तो जैसे अब लोग नहीं जानते पर मैं जब स्टार्टअप करता हूँ तो मैं सीनियर हूँ बहुत सारे IITians का। जो सीनियर मोस्ट ईयर है वो 4th ईयर है, पर मैं उसके सीनियर का भी सीनियर हूँ। और वो लोग जो काम करता है ना, जो बंदा बैठा हुआ है कहीं किसी कोने में और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, जिसने कुछ खुद की चवन्नी नहीं कमाई, उसको पता नहीं होता काम क्या होता है, तो वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और मैं वैसे अपनी बात करूँ तो जो मेरे जूनियर्स हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है भाई जो मैंने किया उसकी वैल्यू। तो मेरे पास आके, मेरे पास अभी 3 महीने पहले जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तो मेरे पास करीब 8 इंटर्न्स काम कर रहे थे IIT दिल्ली से, जिनकी CGPA, जिनमें से 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर सब थे। और मुझे अचीवमेंट भी नहीं लगती, मतलब मैं कभी भी ऐसी टीम खड़ी कर सकता हूँ। और उसका भी रीज़न है कि मेरी जो वो है ना, मैं करीब 7 साल से JEE एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इनफैक्ट बहुत जल्दी आ गया था इंटरनेट पर, मैं पहले कोरा पर था, फिर यूट्यूब पर आया। इनफैक्ट आई डोंट नो कि तुमने भी मुझे तुमने कौन से ईयर में JEE क्रैक किया? मैंने 2021 में किया है। ऑब्वियसली उस टाइम पे भी, उस टाइम से पहले से ही हम आपको जानते हैं, जब हम स्कूल में थे 11th 12th में उस टाइम, राइट। तो मैं बहुत पहले से JEE में हूँ। तो हो क्या रहा है कि जैसे तुम मुझे जानते हो, ऐसे मैं देश के किसी भी टॉप टेक कॉलेज में चला जाऊँ, वहाँ पे मुझे बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट्स जानते हैं। और चूँकि मेरा कॉन्टेंट भी हमेशा सीरियस रहा तो बेस्ट कॉलेजेस में ज़्यादा बंदे मेरे को मिलते हैं अपने जानकार, तो वो लोग मेरे साथ काम करने को तत्पर है, तो मैं कभी भी टीम बना सकता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके सामने आप कह रहे हो कि तू बेरोज़गार है, तेरी जॉब नहीं लगी, प्लेसमेंट क्यों नहीं लगी, तो ये बहुत ही अज्ञान से भरा, हेट से भरा सवाल है। ये सवाल मेरे पे अप्लाई नहीं होता, ना मेरी CGPA वाला मेरे पे अप्लाई होता। तो ऐसे एग्जैक्टली एंड लोगों को आज तक सिर्फ प्लेसमेंट ही ज़िंदगी है वो नहीं लगा। एंड ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप बैठ रहे हो प्लेसमेंट में आपकी नहीं लग रही है तो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब उस बंदे को प्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है और फिर प्लेसमेंट वाले पोस्टर्स ही नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट राइट। मतलब इट्स लाइक आस्किंग अ शॉपकीपर कि आपकी सैलरी क्या है, मतलब बेवकूफ़ आप हुए ना। ओके, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि हाउ टू गेट अंडर 1000 रैंक स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, लाइक कुछ पॉइंट्स बता दीजिए इस पर तो ध्यान रखना हो, एंड उसके बाद 100,000 रैंक कोई अचीव करना चाहता हो अभी से स्टार्ट करके तो क्या करना चाहिए उस टाइम? यार देखो मैं एक बात बोलूँगा, ये ऑनेस्ट बात एक बोलूँगा कि डोंट टारगेट अ हाई रैंक, ठीक है। इंस्टेड टारगेट अ ग्रेट प्रिपरेशन। आप दो तीन बातें बोल देता हूँ, अपना लेवल चेक कर लो क्या आप एडवांस के क्वेश्चंस एक्चुअल में कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर सकते तो बंद कर दो, आप मेंस की तैयारी करो, अच्छे से मेंस में अच्छा कॉलेज प्राप्त करो, आपकी लाइफ बेटर होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एडवांस की तैयारी करने के चक्कर में उनका लेवल होता ही नहीं है, और एडवांस की तैयारी करने के चक्कर में उनका मेंस भी ख़त्म। और मतलब विडम्बना ऐसी है कि एडवांस की तैयारी कर रहे थे पर एडवांस के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। तो ऐसा देखा मैंने, तो इसलिए ये देखो। सेकेंडली, अगर आपसे एडवांस हो जाते हैं क्वेश्चंस तो फिर मैं कहूँगा कि भर के ना बस अपना ना नेगेटिविटी हटाओ और ना लग जाओ सिलेबस जितना हो सके ना करते चलो अच्छी क्वालिटी पर, और मॉक टेस्ट देते रहो। 2 महीने बाद तुम्हारा एक 30% 40% सिलेबस हो जाए, ठीक है, उसके 1 महीने में, नेक्स्ट महीने में तुम्हारा हो जाएगा 40-45 और % सिलेबस। और अगर तुमने 80% सिलेबस कर लिया ना तो तुम 40% तो स्कोर कर ही दोगे जेई एडवांस्ड में, और 40% पर यू विल गेट IIT Delhi टेक्सटाइल विच इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू किक स्टार्ट योर करियर। ऐसे करके आप प्लान करो, और नहीं तो चलो 40% नहीं, आप 1000 रैंक की बात कर रहे हो तो 1000 रैंक के लिए आपको चाहिए होते हैं 50% नंबर, 50-55% नंबर। तो 80% होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपको पेपर देने अच्छे से आते होंगे, ठीक है। इनफैक्ट इफ़ यू अलाउ मी, मैं एक बात बोल देता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को इसकी ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं, सिलेबस भी कर लेंगे चलो किसी तरह हिम्मत करके, पर उनको क्या होता है टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उस वजह से जो डिज़र्व करते हैं मार्क्स वही लूज़ कर देते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया उसके लिए 99% टेस्ट सीरीज़ एंड पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग किसी को भी ज्वाइन करनी हो तो मेरे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, या वेबसाइट तुम डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो पक्ष, और उसमें फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप अगर 80% अच्छा सिलेबस हो रखा है, 75 भी हो रखा है, आपको 40 लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये गेम है, 40 पे आप आई आई टी पहुँच जाओगे, 50 ले आए तो आप 1000 के आसपास रैंक ले आओगे। दैट्स द आइडिया। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है कि डिड यू हैड एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ बिफोर क्लियरिंग जेई और इन कॉलेज? इफ यू हैड, डिड इट अफेक्टेड यू एंड कैन रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय योर करियर? क्वेश्चन मार्क। ये सिंसियर क्वेश्चन है कि तो ऐसा था यार, मतलब जो मुझे जो लगता है, मैं जब 17 साल का था, नहीं 16 साल का था, तो तब मैं एक रिलेशनशिप में था। पर वो जब आज देखता हूँ तो लगता है क्या हंसी मजाक था वो, क्या बकवास थी वो। मतलब इमेच्योरिटी से आप किसी लड़की के साथ अपने आप को कह रहे हो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, और उसको रिलेशनशिप कह रहे हो, और उसको ज़्यादा फील ले रहे हो उसकी, और उसको बहुत बड़ी बात बना रहे हो। तो वो सब बकवास है, बच्चों को कुछ नहीं पता, अभी ये पढ़ने लिखने की उम्र है। तो जेई के टाइम पर मुझे नहीं लगता कि बंदा इतना मैच्योर होता है। सेकेंडली, ये पढ़ने का मौका है, जब पढ़ने का मौका है तो पढ़ना चाहिए। जब बेवकूफ़ आदमी वो है जो वही टाइम पे सही चीज़ ना करे। जेई में आप पढ़ोगे, जेई के बाद आपको उतनी ज़्यादा ऐसे अर्जेंट पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जेई पढ़ के काम करने का वो टाइम है। आप इसके अंदर ऐसी बातें बोलोगे तो बस आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हो, खुद ही डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो, खुद अपनी डिस्ट्रैक्शन को बुलावा दे रहे हो। तो आई वुड से दिस, तो लव इज़ पेन, फोकस ऑन जेई मेन। Oh, nice. Smart answer. अगला क्वेश्चन है कि कृतिका कौन है? तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछा कि आप उनसे पूछा कि कृतिका कौन है, कृतिका का क्या सीन है, राइट? ओके, तो जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो तब जो मेरी महिला मित्र थी उसका नाम कृतिका जैसा था, ठीक है। तो मैं नाम नहीं बोलना चाहता था, तो मैंने एक वैसा सिमिलर नाम रख दिया कृतिका, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मैंने जब भी कभी इफ़ एट ऑल अपने बारे में बता रहा, कभी एग्जांपल देता हूँ मैं अपने लाइफ से स्टूडेंट्स को, तो मुझे अगर कभी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल देना होता है कुछ, तो मैं चाहे गर्लफ्रेंड कोई, मतलब क्योंकि भाई मैं समझ रहा हूँ 7-8 साल हो गए, तो ऑफकोर्स एक गर्लफ्रेंड नहीं रहती, टाइम के साथ बदल जाती है। तो मैंने सबका नाम ये यूनिफॉर्म कर दिया कृतिका। तब मैं बस कृतिका बोलता हूँ कि मैं कृतिका के साथ, तो लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं ये कौन सी कृतिका है। बट ये एक ही कृतिका मैंने अपने लिए सिंपल करने के लिए कर दिया. दैट्स व्हाट इट इज. ठीक. अगला क्वेश्चन है कि व्हाई योर कमेंट सेक्शन इज फिल्ड विद निशांत जिंदल इज अ टाइप ऑफ गाय हु डैश डैश, लाइक उसके साथ कुछ भी ऐड करके लोग ऐड करते थे कि ऐसे कमेंट्स क्यों आते हैं कि निशांत जिंदल इज अ टाइप ऑफ गाय हु कैन डू दिस, हु कैन समथिंग लाइक दैट. तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि निशांत जिंदल इज द टाइप ऑफ गाय हुज कमेंट सेक्शन इज फिल्ड विद comments that start with Nishant Jindal is that type of. Okay, so that very smart answer. अरे actually यार मेरे चैनल पे करीब दिन के 2000 कमेंट आते हैं ऐसे. ठीक है, मतलब हर पोस्ट पे हर वीडियो पे कमेंट आते हैं निशांत जिंदल इज द टाइप ऑफ गाय. तो अब मैं खुद ही बोलने लग गया हूँ निशांत जिंदल इज द टाइप ऑफ गाय. तो ये ना तीन मेरे चैनल पर पता नहीं तीन ट्रेंड बन गए थे. एक तो था वैन निशांत जिंदल, एक था वंस निशांत जिंदल, एक था निशांत जिंदल इज़ द टाइप ऑफ गाय. तो वंस निशांत जिंदल में बता रहा कि भाई मैंने कुछ किया और कुछ हो गया. एक था कि भाई वैन निशांत जिंदल रीड्स अ बुक बुक गेन्स नॉलेज. तो ऐसे कमेंट्स करने लग गए वो. या फिर ऐसे करने लग गए निशांत जिंदल इज़ द टाइप ऑफ गाय हु वियर द सन ग्लासेज टू प्रोटेक्ट सन फ्रॉम हिज आइज. तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके लोगों ने कमेंट करना शुरू किया. और फिर क्या हुआ कि मैंने भी इसको काइंड ऑफ बढ़ावा दे दिया. मैं भी वाइफ पार्टिसिपेट करने लग गया बच्चों के साथ. तो लोग क्रिएटिविटी दिखाने लग गए. हर रोज़ नए तरह के कमेंट आते हैं कि इस टाइप का गाय है, उस टाइप का गाय है. भाई मेरे को भी मज़ा आता है. तो फिर एंड में ये हो गया नाउ निशांत जिंदल इज़ द टाइप ऑफ गाय वो पोस्ट्स ऑन यूट्यूब टू एन्जॉय द कॉमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कुछ है कि आपकी इनकम कितनी है एंड इज योर स्टार्टअप रनिंग गुड. तो स्टार्टअप तो मैंने अब सारे छोड़ दिया. मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम ही छोड़ चुका हूँ. अब यार दिस इज़ टाइम कि मैं मतलब मैंने ना यार मेरे को एक था कि स्टार्टअप्स में काम करना है जी भर के. मैं अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता था, स्किल बढ़ाना चाहता था. मैंने कहा जब तक यंग हो सीख लो, बड़ों से सीख लो. तो मैंने यार स्टार्टअप्स में इसलिए सीनियर के साथ काम किया. मेरे सीनियर्स हैं, गजब सीनियर्स हैं. क्योंकि यार हमारा कॉलेज जो है देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी स्टार्टअप कम्युनिटी भी है. तो मैंने सीनियर के साथ काम किया. तो अब यार हो गया, अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप पूरी सीख चुका हूँ, ख़तरनाक वाली. अब मेरे को है कि यार ठीक है, अब सीखना सीखना बहुत हो गया और बहुत कुछ हो गया. अब मैं यार ये पूछता हूँ खुद से कि व्हाट डू आई लाइक. तो देन आई कम बैक टू द सेम थिंग कि यार जब जेई में मुझे गाइडेंस नहीं मिली तो मेरे को बड़ा एक वो था, दर्द था. तो जैसे ही मैं आईआईटी पहुँचा मैं सीधा गाइड करने लग गया स्टूडेंट्स को. तो वहाँ से लेके आज तक मैंने एक चीज़ इन्जॉय करी है, गाइडिंग स्टूडेंट्स टू क्रैक जेई या ओवरऑल एजुकेशन में भी. तो मैंने कहा एजुकेशनल फील्ड में जाएंगे और जो ये ग्रोथ करी है ना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की, इसका यूज़ करके फील्ड को डिसरप्ट करेंगे. अब इस माइंडसेट से आया. अब स्टार्टअप छोड़ दिए. और बात रही इनकम की, तो इनकम वाइज आई वुड से वन थिंग कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ कि जो लोग बेरोज़गार बोल रहे हैं वो जिनकी शायद पूजा करते हैं उनके पैकेजेस के लिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ मैं. तो पर मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है. मैं खुद को सक्सेसफुल तब तक नहीं मानूंगा, यू कैन से, जब तक आई डोंट बिल्ड अ कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी. तो मैं अभी लगा हुआ अभी मैं 24 साल का ही. तो अशनीर सर है, अशनीर ने 40 साल की उम्र तक जाके बनाई. तो अभी मेरी तो बहुत उम्र है. तो आई विल टेक हिट्स और भी मैं बहुत सारे अटैम्प्ट दूंगा. आई विल मेक इट थ्रू समडे. तो ये मेरा एम्बिशन है, तभी मैं सक्सेसफुल हूँ. पैसे वगैरह मेरी लाइफ को देख लें, लाइफस्टाइल देख लें या इनकम देख लें, तो मुझे तो वो सक्सेसफुल घोषित कर देगा. और दैट्स नॉट हाउ आई मेजर माई सेल्फ. और मे बी यार मतलब मैं वो बनता हूँ कि जो ऑलवेज लुकिंग फॉर बिगर. तो अभी अगर मे बी मैं यूनिकॉर्न बना लेता हूँ देन आई विल सी कि यार अब और बड़ा क्या है. तो दैट्स ऑलवेज देयर. ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन है कि क्या टेस्ट सीरीज बेच के अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं. अब ये यार इसका तो आंसर तुमको पहले वीडियो में मिल गया होगा. इज नॉट ओनली सेलिंग टेस्ट सीरीज, और भी बहुत कुछ करा हुआ है इन्होंने. आप क्या बोलना चाहेंगे वैसे इस क्वेश्चन पे, कुछ बोलने के लिए है तो बताइए. मैं बताता हूँ. एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा और क्या नहीं। ये एक कमरे में बेड पे लेटा हुआ, चद्दर के अंदर बैठा हुआ ऐसा बंदा जिसने चवन्नी भी कभी कमाई नहीं, कोई वैल्यू एडिशन किया नहीं, अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, उठता है, खाता पीता है और सो जाता है, ठीक है, पुनीत सुपरस्टार के टाउस में। वो बंदा किसी एंटरप्रेन्योर को नहीं बताएगा कि उसको क्या बेचना है और क्या नहीं। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मेरे को सब कुछ पता है। तो आप जो बच्चे हैं मैं उनको बोलूँगा कि बंद कर दो, अपने लिए बंद कर दो, मुझे हेट करके कुछ प्राप्त नहीं करोगे। मुझसे सीखने को आओगे तो बहुत लोग बहुत कुछ सीख के गए हैं मुझसे। मैं पूछ रहा है कि आपको सर मोस्ट हेटेड मेंटर क्यों बोलते हैं? तो यार इसका रीज़न यही है कि मतलब मेरी कमिटमेंट ऑनेस्टी से है कि भी मेरा नेचर, बल्कि हमारा डीएनए है, आईआईटी दिल्ली का डीएनए है, और बाकी मेरा एक नेचर वैसे भी है कि मैं ना यार बिल्कुल सीधी बात बोलता हूँ। मुझसे कोई पर्सनली मिले चाहे कैसे भी मिले, इनफैक्ट तुम्हारी भी कल मेरे से बात हो रही थी, तुमने देखा होगा ना कि मैंने कहा कट द क्लटर, कट द टेक्निकलिटीज़, सीधी बात करो। तो मेरा नेचर वही है। एंड मुझे ऐसा लगता है शायद कि जो 17, 16, 15 साल के बच्चे हैं उनमें शायद वो मैच्योरिटी नहीं है कि मेरी बात को डायरेक्टली समझ सके। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने HC वर्मा बोल दिया कि इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर जेई। मैंने उसमें बहुत क्लियरली समझा के बोला कि कोई अगर HC वर्मा को ये समझ रहा है कि ये कर ली तो फाइनल हो गया मेरा जी, वो बहुत ही बड़े धोखे में जी रहा है। अब इस पर मुझे इतनी हेट मिली कोई हद नहीं कि तू कौन होता है, HC वर्मा सर को देख, उनके आगे तू कुछ नहीं। भाई मैंने कब बोला मैं कुछ हूँ? पर पॉइंट ये है कि वो बच्चा नहीं समझ सकता वो बात, और यही चीज़ जो है फिर वो जब ड्रॉप लेता है या 12वीं में आके जब एक साल बर्बाद करके 12वीं में आता है या 12वीं वाला ड्रॉपर बनता है, तब उसको एहसास होता है कि यार ये क्या बोल रहा है। तो वो लोग भी हैं जो मेरे को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो मेरे को प्यार करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे समझ नहीं पाए हैं। और इसलिए भाई वो सामने से फेस वैल्यू पे एक वीडियो देखेगा ना, जो उसको मेरे से हेट हो जाएगी, जो 4 वीडियो देखेगा वो फैन बन जाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस, मैंने जो देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू डोंट मेक वीडियोस फॉर 11th क्लास? मतलब मैं एक बात बोलूँगा कि मोटिवेशन थोड़ा मेरा घट गया है 11th क्लास के लिए वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं अपना स्टाइल चेंज करूँगा नहीं। मतलब मेरे को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसा बोलता हूँ, मैं अगर कुछ और तरीके से बोलूँगा तो वो भी डिसऑनेस्टी समझता हूँ मैं। और जैसे मैं बोलता हूँ 11th के स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आती नहीं है, तो मैंने कहा जब तुम्हें 12th में समझ आएगी, तो जब तुम 12th में आओगे तभी देख लो मैं मेरी वीडियोस। तो काइंड ऑफ ऐसा हो गया। देखते हैं यार, मतलब मे बी अगर मेरे पास आती है इनफ रिक्वेस्ट आती है तो आई माइट एज वेल थिंक, पर मुझे ऐसा फील हो गया 11th वाले बंदे मुझे समझते नहीं है। 11th में आके बच्चों का होता है ना कि मेरे को तो एआईआर वन ही लेके आनी है यार, मैं तो यही करूँगा, वो थोड़ा सा बचपना होता है, वो तो मैंने भी देखा है। फिर वो समझते नहीं किसी भी चीज़ को, हर चीज़ पे जजमेंटल हो जाता है, वो चीज़ थोड़ी रहती है, इमेच्योरिटी होती है थोड़ी 11th क्लास से। तो फिर मेरे को भी पास रही है, लाइक मैं भी जब थी तो ऐसी, तो मेरे को भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन रहता है। मैंने कहा ठीक है 12th के लिए ड्रॉपर के लिए बनाते रहते हैं, अब आएगी अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं भाई एक आध वीडियो बना के देखता हूँ, मे बी इस टाइम चेंज आया, क्योंकि पहले के मुकाबले अब लोग मेरे को ज़्यादा समझने लगे हैं। ठीक है, पहले हेटेड था मैं, पर अब लोग मुझे ज़्यादा समझने लग गए हैं। उसका रीज़न ये भी है, अब मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाना शुरू कर दिया तो स्टूडेंट्स को ना मेरे साथ बात करने का, मुझे सुनने का ज़्यादा मौका नेचुरली मिल जाता है, तो बहुत जल्दी मुझे समझ जाते हैं, तो हेट भी मैंने देखा कम हो गई है। और लाइव स्ट्रीम भी करना शुरू किया तो उसमें भी इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर वो मेरी बात समझते हैं, तो वो कम हो रही है। आई थिंक 11th वालों के साथ भी ऐसा होगा। What are your views on अश्नीर ग्रोवर? अश्नीर ग्रोवर मतलब सीनियर है वो। अश्नीर ग्रोवर जो है ना, भारत पे बहुत उन्होंने ग्राउंड से बनाया, ऐसे मैं वही बता रहा हूँ कि अश्नीर ग्रोवर तो ग्राउंड लेवल पे काम करते रहे। तो वही मैं वापस आता हूँ उस पर कि 2003-04 में किसी को IIT का नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, 2000 में उस टाइम तो मेरा जन्म हुआ था 1999 में। उन दिनों में उस बंदे ने IIT क्रैक करके इन्वेस्टमेंट बैंकर, IIM क्रैक करके, IIT क्रैक किया, फिर IIM क्रैक किया, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर बना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर बना वो कोटक में, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में, ठीक है, और बाद में जाके फिर स्टार्टअप्स किए। तो मैं तो इनको पहले से ही जानता था कि पहले, जैसे पब्लिक को अभी पता चला, पर मैं तो कॉलेज का बंदा हूँ तो और स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रहा था, तो मेरे को अश्नीर के बारे में पता था। ठीक है, मैं भारत पे के बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ पर अश्नीर से नहीं हूँ। अश्नीर भी यार वही बंदा है, बल्कि मैं कहूँगा आप देखोगे ना, अगर ये DNA है, आप दीपिंदर से शुरू करो, जोमेटो फाउंडर दीपिंदर, अलबिंदर, अश्नीर, तो ये सब में ना वो जो ग्राउंड लेवल पर बेस लेवल एग्जीक्यूशन है और बहुत ही रेडिकल ऑनेस्टी, ये सब के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मैंने भी यार उन्हीं को देख देख के निखारा है, मेरे अंदर भी था पर उनको देख के वही होता है ना कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ IIT दिल्ली, तो ऐसे सीनियर्स को देख के भाई मैं सीखा हूँ, तो वो हमारे DNA में आता है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए अश्नीर ग्रोवर। तो ऐसे है। ओके, तो बात है हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कोई रियल वर्ल्ड स्किल नहीं है, सिर्फ IIT का टैग है आपके पास, इसीलिए ये सब कर रहे हो, क्या ये सच है? गलत, बहुत गलत है। मतलब आप एक बात बताओ, अगर स्किल्ड वर्कर जो हैं, स्किल्ड वर्कर्स या बड़े मतलब बड़े स्किल्ड, हाई स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो उनको मैनेज करता है, आप कह रहे हो उस पर स्किल नहीं है। ठीक है, जो मतलब मेरी स्किल जो है कोर स्किल बता रहता हूँ मेरे पास, पहली बात तो क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरे पास एक्सट्रीम रियल वर्ल्ड स्किल्स है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर से रियल कोई नहीं होता, क्योंकि टू बी एन एंटरप्रेन्योर आप धोखे में रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड पर रहते हो। अगर आप धोखे से काम करोगे और रिस्क भी ले रहे हो आप इतने सारे, तो आप अपने आप से धोखा चूज़ नहीं कर सकते, तो ज़मीन पे आपको बहुत थप्पड़ पड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पर जब आप काम करते हो और इतने बड़े बड़े एम्बिशन होते हैं आपके कि भाई मैं मिट्टी से इतनी बड़ी कंपनी बना दूँगा, तो वहाँ पे आप धोखे में नहीं रह सकते। तो मेरे पास सबसे रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं। मेरी मेन स्किल जो है वो है ग्रोथ। अब मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे पास रियल वर्ल्ड स्किल नहीं है, उनको ग्रोथ के बारे में पता ही नहीं होगा, ग्रोथ क्या स्किल होती है, ये कौन सी नई चीज़ आई है मार्केट में। और अगर आप किसी को भी जाके स्टार्टअप वर्ल्ड में बोलोगे कि मैं बोलूँगा जाके कि आई एम अ ग्रोथ पर्सन, तो वो कहेगा अच्छा ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ एंटरप्रेन्योर के सबसे कोर स्किल है। सिंपल भाषा में ग्रोथ वो होती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग ऑन मोर एंड मोर यूज़र्स टू द टू ऑनबोर्ड मोर एंड मोर यूज़र्स टू आवर कंपनी टू आवर ऐप, दैट्स व्हाट माय वर्क इज़। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि जितने ज़्यादा लोग हैं, आपकी कंपनी बड़ी कैसे बनती है, ज़्यादा यूज़र्स हो। तो ये चीज़ मेरे को आती है। रियल वर्ल्ड स्किल्स की बात करूँ, मैंने B2B सेल्स की हुई है बहुत अच्छे से, मैं एक बहुत ही क्वालिटी सेल्समैन और नेगोशिएटर हूँ। अगर बात करूँ मैं मार्केटिंग की, मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग करी है, मैंने फीट ऑन स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करी है, मैंने टीम्स को ऐसी लीड किया है जो ये काम करती हैं, उनको ट्रेन किया है, मैं ट्रेनर बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर डिजिटल स्पेस की, तो मैं मतलब मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो आती है, ऊपर से ये सोचो ना भाई मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल है, तो वो खुद में एक स्किल है। ठीक है, अगर कोई सिंपल मैं एक बात बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, जो लोग शायद अभी पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं, जिनको समझ नहीं है कि अगर कोई रील्स बना रहा है, सिर्फ रील्स बना रहा है, उस पर नाच रहा है, छोड़ो सब कुछ, अगर रील्स बना के नाच रहा है और उसके 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो ना अगर, तो वो भी बहुत 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 पावरफुल स्किल है। अगर कोई सिंपल रील्स बना रहा है, तुमको नहीं पता क्योंकि तुमने किया नहीं। ठीक है, जो यूट्यूब एक इमर्ज कर रहा है एज अ स्किल, तो वो भी एक स्किल हो गई। तो ये और यूट्यूब तो मैंने सबसे लास्ट में स्किल बोली, मेरी मेन स्किल्स वो सब है। उसके अलावा स्किल्स की बात करें, भाई मैं एजुकेटर हूँ, आई कैन एजुकेट। कितने लोग एजुकेट कर सकते हैं? मैं JEE की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को, इतनों को दिया है। उसके बाद बात करें अगर, उसके अलावा मैं मेंटरशिप करता हूँ, आई एम अ पब्लिक स्पीकर एज वेल। तो यार उसके अलावा मेरे को भाई करीब 6 लैंग्वेजेज आती हैं। ठीक है, मेरे को इनफैक्ट बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं तो मुझसे ज़्यादा स्किल्ड हो। फिर बात करें तो मैं प्रोडक्ट समझता हूँ। अब प्रोडक्ट समझने का क्या मीनिंग होता है, ये समझने के लिए भी आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तो आप मेरी स्किल को समझ पाओगे। ठीक है, आई एम अ प्रोडक्ट पर्सन। आई एम अ टेक पर्सन, मुझे टेक समझ में आती है। आई एम एन एच आर, मैं हायरिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि मेरे साथ लोग काम करने के लिए तत्पर है जो देश के बेस्ट टेक कॉलेजेस में है, क्योंकि मेरे को वो जेई के टाइम पर फॉलो करते रहे और मैं 7 साल से जेई की गाइडेंस दे रहा हूँ। तो कई सारे बैचेस तो मेरे ग्रेजुएट हो गए जूनियर्स के, तो वो लोग भी मैं कभी भी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालता हूँ या इंटर्नशिप्स निकालता हूँ तो बहुत सारे आते हैं मेरे पास, मेरे ही जो फॉलोअर्स रहे हैं पहले। तो मैं एक एचआर भी हूँ, तो मेरे पास इतनी स्किल है, मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जिन पे इतनी सारी स्किल्स हो। और पर मेन ये सारी स्किल्स आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको सब कुछ करना है और सब कुछ सीखना पड़ता है। तो मेरी मेन स्किल जो है एट द एंड रिड्यूसेस टू एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स हाउ आई से। और इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को पकौड़े बेचने होंगे मैं पकौड़े बेच लूँगा, पर मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। थैंक यू फॉर कमिंग, काफ़ी अच्छा था। एंड इतने ज़्यादा लोगों ने जो हेड बना के रखी है, आई थिंक इन क्वेश्चन का भी आंसर करना ज़रूरी था। तो होपफुली जिन भी लोगों के अंदर ये सारे क्वेश्चन थे, लाइक कुछ क्वेश्चन ये चाहते तो मैं छोड़ देती, मैं नहीं उठाती। एंड मैंने इनको भी भेजे क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेना भी चाहिए या नहीं, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं हर जगह ऑनेस्टी से आंसर करता हूँ, तो यहाँ भी मैं हर उस हेटेड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेडी हूँ। तो जितने भी यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, चाहे वो जैसे भी हो, सब मैंने उठाए एंड आपको आई थिंक सारे आंसर्स मिल रहे होंगे। थैंक्स टू यू भैया आने के लिए। बाकी अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो विद एंड, मैं ये बोल देता हूँ कि हम ना सोशल मीडिया पर ना बहुत हार्टलेस होते हैं, तो हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। पर यार हमेशा ये सोचा करो कि यार मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी एक लड़का हूँ जो पढ़ाई करता था, अपने माँ बाप के लिए, फैमिली की लाइफ बेटर बनाने के लिए संघर्ष करता था और अभी भी संघर्ष करता है, मेहनत करता है। मेहनत से ही लेजिट काम करके, ठीक है, अच्छी वैल्यू एडिशन करके कुछ भी करता है। तो किसी को ना हेट देने से पहले सोचना चाहिए और एम्पैथी रखनी चाहिए। मेरे पे भी, मैं कितना कह लूँ, मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, और जब आपको इतना ज़्यादा लोग हेट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ता है। तो यही कहूँगा, मैं भी आपकी तरह एक लड़का हूँ जो मेहनत करता है। आप यार, आप अपने जीवन में ये ना करो कि मुझे हेट करो या किसी को भी हेट दो, किसी को भी जाके कभी गलत कमेंट मत करो। आप ये देखो कि यार आप किसी से क्या सीख सकते हो और अपनी ज़िंदगी, अपना करियर बनाने पे ध्यान दो। वो सबसे बड़ा काम है जो आप करोगे। सो दैट्स माई मैसेज टू एवरीबडी।